हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या में आवर्तता। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परमाणु त्रिज्या की पूरी बात कर ली थी और आज हम क्या पढ़ेंगे कि क्रम क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो किस तरीके से त्रिज्या में फर्क पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आवर्त सारणी कुछ आपकी इस तरीके से थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या आवर्त सारणी आपको बिल्कुल रटी होनी होनी चाहिए, ठीक है ना। पता हो आपको हर तत्व कहां रखा है, ठीक है ना, जिस भी तत्व की हम बात करें। तो अगर मैं परमाणु त्रिज्या में आवर्तता की बात करूंगा तो क्या कहूंगा मैं कि भाई अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है क्या बढ़ती है, कोश की संख्या बढ़ती है, बढ़ती है ना भाई। ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पता है पहला आवर्त, जैसे मैं पहले की बात कर लूं, हली ना करे रब से फरियाद की बात कर लूं, ठीक है, तो आपको पता है पहला आवर्त इस तरीके से, फिर दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, कोश की संख्या बढ़ेगी। इस तरीके से पहला कोश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और आपको पता है जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी भाई आपका अंतिम कोश में होगा, तो जो डिस्टेंस है वो भी कैसी होगी, बढ़ेगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर अप टू डाउन जाओगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाओ तो क्या होगा भाई, तो आपका परमाणु आकार बढ़ेगा। समझ गया बात को। तो यहां से ये भी कह सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, और दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि आकर्षण घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका घटता है। भाई इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो जो आकर्षण है वो कैसा होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पास हो, अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन यहां है एक इलेक्ट्रॉन यहां है, आप बताओ किस पर आकर्षण ज्यादा होगा। आप कहोगे कि सर जो नाभिक के पास है उस पर आकर्षण ज्यादा होगा, जो नाभिक से दूर है उस पर आकर्षण कम होगा। यानी यहां पर हम दो बात कह सकते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, साथ ही आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो मैं देखो इस चित्र के द्वारा अब सारी चीजें आपको व्यक्त करा करूंगा। ऊपर से नीचे जा रहा हूं मतलब समझ लेना यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्ग की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं मैं, आवर्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आप सबको पता है किसकी कहानी आएगी भाई, आवर्त की कहानी आएगी, समझ गए ना। जैसे अगर मैं यहां जाऊं तो आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक क्या थी भाई, हबीब के कान ऑफ हैं, बताई थी ना, ऑफ हैं। तो अगर मैं ऐसे जाऊं आपको बोल दूं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आपको पता है यहां आड़ी लाइन की बात कर रहे हैं तो आवर्त की बात कर रहे हैं, और आवर्त में हम कहां से जाएंगे, बाएं से दाएं। आवर्त में हम कहां जाएंगे, बाएं से दाएं, और वर्ग में हम कहां जाएंगे, वर्ग में हम जाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो आवर्तता का मतलब दो कहानियों के बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे वर्ग की, वर्ग में जाएंगे ऊपर से नीचे, दूसरी बात करेंगे हम आवर्त की, और आवर्त में हम जाएंगे बाएं से दाएं। इज दैट क्लियर, चलें आगे देखना भाई। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर आपका आकर्षण घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, जेड इफेक्टिव घटता है, लेकिन आपका जो परमाणवीय आकार है या मैं कहूं परमाणवीय त्रिज्या है वो कैसी होती है, बढ़ती है। तो सीधी बात आप डायग्राम से भी लिख सकते हो, या आप थ्योरी में लिखना चाहो तो थ्योरी में भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे कि वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, नाभिकीय आवेश घटता है, तथा परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार, या आप त्रिज्या भी कह सकते हो, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। अब ये दो साइनों को भी याद रखोगे, इसका मतलब मैं कहीं भी बात करूंगा तो घटने की बात करूंगा, एरो जब नीचे जाएगा तो, और ऊपर जाएगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, बढ़ने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर ये वाला एरो लग रहा है तो मतलब समझ जाओ घटने की बात हो रही है, और ये वाला एरो लग रहा है तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है। तो समझ गए आप, वर्ग की कहानी हो गई। तो वर्ग की कहानी के बाद अगला नंबर किसका आता है भाई, अगला नंबर आता है आपका आवर्त का।
अब देखो अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त में आपको पता है सेम कोश रहता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ये n बराबर एक है और इसके लिए क्या मान होगा n बराबर दो, यानी जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कौन से कोश में भरे जाएंगे, दूसरे कोश में भरे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये बाकी के कोश होते ही नहीं है, सिर्फ किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और आपको यह भी पता है क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही क्या होते हैं परमाणु के अंदर, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन अगर इसके अंदर बढ़ेंगे तो आपको पता है जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा भाई, नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो अब कहानी क्या हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके कौन से कोश में भाई, दूसरे कोश में आ रहे हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम यहां पर प्रोटॉन भी आएंगे तो आपको पता है यहां पर आकर्षण बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो आकर्षण कैसा होगा आपका, बढ़ेगा। और जब आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? ये जैसे आपका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आकर्षण बढ़ रहा है तो ये पास में आएगा, और पास में आएगा तो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी आप क्या कहोगे, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है, आकर्षण आपका बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ेगा तो मुझे पता है आकर्षण बढ़ने पर हमारा जो आकार है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और आकार में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो Z इफेक्टिव है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आकार के, ठीक है ना। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा, अगर जेड इफेक्टिव आपका घटेगा तो आकार आपका बढ़ेगा। समझ गए बात को? और ऐसे भी कह सकते हो भाई कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर तो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर कैसा होता है, घटता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने की वजह से वो क्या कैसा जाता है भाई, कोश कैसा होता है, थोड़ा दूर होता है, तो दूर होने से क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं यहां अंदर के कोश में भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसके बाहर के कोश में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी सेम माइनस, यहां पर भी सेम माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलेगा, और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे आकार भी आपका बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को, कहानी को समझ गए? तो अब आवर्त के लिए आप बात लिखोगे तो क्या लिखोगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः परमाणु का आकार घटता है। तो क्या कहोगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना, क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव बढ़ता है तथा परमाणु का आकार या परमाणुीय त्रिज्या, परमाणु का आकार कैसा होता है, घटता है। ठीक है, समझ गए बात को? वैसे तो यहां पर एक स्लेटर रूल वगैरह आता है जब हम वर्ग की बात करते हैं, तो ठीक है ना, जेड इफेक्टिव में कोई खास परिवर्तन नहीं होता जब हम वर्ग की बात करते हैं, लेकिन आपके लेवल तक इतना काफी है, ठीक है ना। जैसे आप हायर स्टडी में करोगे ना, बीएससी वगैरह करोगे, तो वहां पर स्लेटर रूल आता है, ठीक है, समझ गए। स्लेटर रूल बताता है कि जेड इफेक्टिव में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता वर्ग में, ठीक है ना। जो मेन काम होता है वो किसके द्वारा होता है भाई, साइज आपका बढ़ता है वो किसके द्वारा, कोश की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगली की, और अगले में हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ग में लेते हैं और किस में लेते हैं, आवर्त में लेते हैं, ठीक है ना। देखना, लिख लिया भैया आपने, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना, पीछे जाकर वीडियो के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं हम कुछ केसों की, और हम देखेंगे उसमें आकार का क्रम क्या होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे भाई कि निम्नलिखित तत्वों का आकार का क्रम बताइए, ठीक है ना। देखना भाई इस चीज को, देखना पहला एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं, क्वेश्चन ही लिख लो चाहे भले, क्वेश्चन परमाणवीय आकार का क्रम दीजिए, आकार का क्रम बताइए, ठीक है। देखो पहली बात करता हूं मैं आपसे, लीना हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं, चलो करे रब से सीजियम तक, क्योंकि फ्रांसियम और आपका जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जनरली उसकी स्टडी हम इनके साथ नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ बात हम करेंगे कहां तक, सीजियम तक। एक इफेक्ट और आता है रिलेविस्टिक इफेक्ट, उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। देखो अब मैं बोलूं कि ये अगर इसके तत्व को मैं जमाऊं तो क्या है भाई, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, हलीना करे रब से,
ऊपर से नीचे आ रहा है, और हमें पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो Z इफेक्टिव की बात ना करें, हम केवल आकार की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार आपका बढ़ता है, ठीक है। यानी यहां पर सबसे छोटा आकार होगा हाइड्रोजन का और सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सीजियम का होगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ये किसकी बात हो रही है भाई, आवर्त की, ठीक है ना। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है, जेड इफेक्टिव घटता, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज आपका घटता है, ठीक है ना। अभी अभी ये कहानी बताई थी मैंने आपको दो चीज, ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका साइज बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाओगे तो आपका साइज घटेगा। यहां पर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, आवर्त सारणी को देखोगे, खोल के बैठोगे, अपने सामने आवर्त सारणी को देखो और वहां पर आप देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कैसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो आकार आपका घटेगा। यानी सबसे कम आकार की बात करूं तो लिथियम का होगा और सबसे ज्यादा आकार की बात करूं तो किसका होगा भाई, लिथियम का होगा। और अगर सबसे कम आकार की मैं बात करूं तो सबसे कम आकार बताओ मुझे किसका होगा, सबसे कम आकार होगा आपका किसका, फ्लोरीन का, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है तो फ्लोरीन सबसे छोटा और आपका लिथियम सबसे बड़ा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं भाई, चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, इन दोनों को लिख लो आप और एक एग्जाम्पल की बात मैं आपसे और करता हूं, फिर आपको एक इफेक्ट भी बताऊंगा जो मोस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए भाई, ठीक है, अब देखते हैं एक और, ना मंगाए आलू सी पास्कल, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्रम, तो ये आप देखोगे तो वो ही आवर्त की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल को खोल के बैठोगे तो यहां आपके आवर्त की बात हो रही है, ना मंगाए आलू, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से चलेगा, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार कैसा होता है, घटता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सोडियम का होगा, सबसे कम आकार किसका होगा, क्लोरीन का होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूं, चलो वर्ग के और एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है ना। और दे दूं, और देख लो भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये दोनों चीजें हैं वो किसकी हैं, वर्ग की हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको पता है ऊपर एस्टेटाइन की भी जनरली बात नहीं होती, सेम टू सेम जैसे लास्ट के तत्व हैं उनकी बात नहीं होती, थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है, रिलेवेस्टिक इफेक्ट लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो फ्लोरीन का आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार आपका कैसा होगा, बढ़ेगा, आयोडीन का आकार आपका सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का आकार सबसे कम होगा, और ये भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेरिलियम का आकार सबसे कम होगा लेकिन बेरियम का आकार आपका सबसे यहां पर बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको कि रिलेवेस्टिक इफेक्ट क्या है, समझना भाई, ठीक है। आपने देखो, आपने आइंस्टीन की थ्योरी तो सुनी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें वो क्या बोलता है भाई कि किसी भी अगर स्पीसीज का बहुत ज्यादा मास अगर एक छोटी सी जगह में आ जाए तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि भाई यूनिवर्स में कहीं कहीं क्या है, एक जगह मास आपका बहुत ज्यादा, डेंसिटी वहां पर मास की आपकी बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है वो लाइट को भी इवन नहीं जाने देता, लाइट को भी क्या कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, समाहित कर लेता है, मतलब हर किसी चीज को वो खींच लेता है। तो यही बात यहां पर आपके लागू हो रही है, किस पर, जैसे मैं सीजियम के बाद अगर फ्रांशियम की मैं बात करूं तो फ्रांशियम में क्या हो रहा है, आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सीजियम से भी ज्यादा है, कितना निकल के आता है इसका, 87 निकल के आता है। तो देखो 87 अगर एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो छोटे से नाभिक के अंदर 87 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा है, तो कहने का मतलब छोटे से मास के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाने से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, बढ़ जाता है। यह क्या कर लेता है भाई, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, क्यों, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जेड इफेक्टिव इसका बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जब इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा तो साइज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछ ले कि सीजियम और फ्रांशियम में साइज बड़ा किसका है, तो आप बोलोगे भाई साइज बड़ा सीजियम का ही है, फ्रांशियम का साइज छोटा है, बिकॉज ऑफ रिलेवेस्टिक इफेक्ट, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं छोटी सी जगह में, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, इस वजह से क्या करता है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। आप बोलोगे
कि सर नाभिक तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सर हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, हमारे में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है। मैं कहूंगा भाई आपका भी, आपकी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक बैलून में हीलियम भर के देखना और उसको आप जब आप हाथों से छुओगे तो क्या देखोगे कि अपनी तरफ वो अट्रैक्ट होगा। आपका भी होता है, लेकिन आपके आपका क्या है, अब अदर रेस्पेक्ट में आप देखो तो आपके सामने भी हर कोई है, आदमी घूम रहे हैं, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, समझ रहे हो। और अगर पृथ्वी के रेस्पेक्ट में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो नेग्लिजिबल है भाई, समझ रहे हो ना। तो यहां पर इस वजह से मैंने आपको बताया, आदमी के केस में अगर आपको चेक करना है तो आप हल्की गैस को लेकर जैसे हीलियम वगैरह को लेकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी तरफ भी वो बैलून, आपने देखा होगा इंटरनेट पे, आप वीडियो सर्च करके देख लो तो वहां इस तरीके से हाथ को ले जाके भाई उस बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे आपकी हल्की गैस आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, समझ गए बात को, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है, इवन आपको समझ में आया होगा मैं ये आशा करता हूं, ठीक है ना। बाकी आपको कोई पूछ नहीं रहा कि रिलेविस्टिक इफेक्ट क्या है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि क्या सीजियम से फ्रांशियम का आकार बड़ा होगा, नहीं, सीजियम का जो आकार है वो फ्रांशियम से बड़ा होता है, लेकिन फ्रांशियम का आकार इससे कैसा होता है, सीजियम से छोटा होता है। ठीक है ना, आपके लेवल में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी ले तो भी आप बता सकते हो कि सर ने हमको एक इफेक्ट बताया था, इफेक्ट का नाम है रिलेविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, बात कर देते हैं इन पांचों एग्जांपल की, लिख लो पहले फिर आगे की बात करता हूं आपसे। आयनिक त्रिज्या को आपको डिटेल से पढ़ाता हूं भाई, लिखो पहले इनको, लिख लिया, चलें। अब देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो परमाणु त्रिज्या से नहीं आएगा, आपको आयनिक त्रिज्या से क्वेश्चन पूछेगा। कहीं भी आप कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो आयनिक त्रिज्या से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा देखो बताता हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे आयनिक त्रिज्या, अगली हेडिंग लगाओगे आयनिक त्रिज्या। ठीक है, देखना भाई आयनिक त्रिज्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ठीक है, समझना भाई आयोनिक रेडियस को, क्या कहानी है आयोनिक रेडियस की। ठीक है, एक स्टेटमेंट देता हूं आपको कि जब आपके इलेक्ट्रॉन समान है, ठीक है ना, स्पीसीज के अंदर जो भी आपको तत्व मिल रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान है, तो क्या याद रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन आपके समान हो, इलेक्ट्रॉन आपके समान हो तो क्या याद रखोगे भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना आकार क्या होगा आपका, छोटा। दूसरी बात, जितना नेगेटिव चार्ज उतना आकार क्या है आपका, बड़ा। समझ रहे हो स्टेटमेंट क्या है, सीधा याद रखोगे जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। कब कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन जब आपका समान हो, तो इलेक्ट्रॉन असमान हो तब क्या कंडीशन लगाओगे, तब आप चेक करोगे भाई वर्ग में कहां है वो, आवर्त में कहां है, फिर वो परमाणु त्रिज्या वाला जो आपको फंडा बताया था उसको लगाकर आप आंसर दोगे। ठीक है ना, अब देखो ऐसा क्यों होता है इसको भी समझो, ये रहा आपका नाभिक और ये रहे आपके कोश और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अगर मैं कहूं कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, जैसे सोडियम की मैं बात कर लूं, ठीक है, तो सोडियम की बात कर लूं, NaCl की बात कर लेता हूं। ठीक है, आपको पता है कि Na में लास्ट में क्या होता है, 3s1 कोश होता है, यानी ये मान के चलो आपका 3s है। ठीक है, और इसमें बात करूं तो इसमें क्या होता है लास्ट का 3p5। ठीक है, यही होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बता चुका हूं, लास्ट में यही आएगा। आपको पता है Na एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है Na+, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा 3s0, और Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है माइनस बनाता है Cl, तो Cl- हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो पहले 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर देखो आप आकार ज्यादा था भाई, ये रहा आकार बड़ा था, अब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो ये 3s वाला जो कोश है वो तो खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब आपका कोश कौन सा रह गया, इसके अंदर वाला ही रह गया, तो देखो आकार कैसा हो गया आपका, छोटा हो गया। ठीक है, और आपको अच्छे से समझाता हूं, देखो
ऐसे समझो कि माताजी के कितने बच्चे हैं भाई, 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, वो उनको अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, किसी को कुछ किया, किसी को नहलाया धुलाया, किसी को खिलाया पिलाया, मतलब जो अट्रैक्शन है वो उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा। लेकिन फिर क्या है, घर में मौसी आ जाती है और मौसी 2 बच्चों को संभाल लेती है। तो अब मुझे बताओ, जो आपकी माताजी थी पहले वाली, वो 2 बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं, उनका उनके ऊपर अट्रैक्शन अब कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 2 बच्चे तो चले गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए, बच्चे समझ लो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपके चले गए तो जो बचे इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो 11 हैं, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो यहां 11 के 11 हैं। तो मुझे बताओ, यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तब इनका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन इनका कैसा हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। पहले तो 11 प्रोटॉनों को 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रोटॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से पकड़ के रखेगा, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है ना, समझ गए बात को मेरी को। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आपने क्या समझा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे वैसे प्रोटॉन आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका कैसा होगा, बढ़ेगा, तो आकार कैसा होगा, कम होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे आपको पता है क्या क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा, ये पॉजिटिव, और वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपके अंतिम कोश में बढ़ते जाएंगे तो ये जो कोश के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो आकार भी कैसा होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात में आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले सीएल के पास कितने थे, 17 तो प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। तो मैं बताओ, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया ना भाई, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया तो अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो मुझे बताओ साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई सारा खेल किसका है, अट्रैक्शन का है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो जेड इफेक्टिव है, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। दूसरे रेस्पेक्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो रिपल्शन बढ़ने से भी क्या होगा, यहां पर साइज बढ़ेगा, समझ गए। तो यहां पर एक स्टेटमेंट अगर मैं पास करूं तो एक स्टेटमेंट मैंने आपको पास कर दिया, क्या बोला कि जितना पॉजिटिव उतना आपका साइज छोटा होगा और जितना नेगेटिव उतना साइज आपका बड़ा होगा। कंडीशन क्या लगा रखी है कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में रख के उनको चेक करो। एक एग्जांपल देता हूं, समझना, ठीक है। देखो, आयोडीन माइनस, आयोडीन, आयोडीन प्लस, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और इनका आपको देना है क्रम, आयनिक त्रिज्या का क्रम दीजिए, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लेना, आयनिक त्रिज्या का क्रम देना है, ठीक है। तो अब आपको पता है, मैंने क्या बताया, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस पर है, आई माइनस पे, तो आई माइनस का आकार सबसे छोटा होगा, इससे ज्यादा आकार किसका होगा, इससे ज्यादा आकार आपका होगा किसका, आयोडीन का, फिर इससे ज्यादा आकार किसका होगा, इससे ज्यादा आकार होगा किसका, माइनस वाले का, क्योंकि आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हमको पता है आयोडीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 53 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर तीनों केस आयोडीन के हैं भाई, तीनों केस आयोडीन के हैं, तो तीनों केस आयोडीन होने की वजह से जो हमारा तत्व था वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन सेम थे, ठीक है ना। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने, कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन गिनने भेज जाओ सर, 53 और 154 हो गया, यहां पर 53 है और यहां पर कितने रह गए, 52 रह गए, ना, मैं क्या बोल रहा हूं, तत्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका पॉजिटिव उसका आकार छोटा, फिर न्यूट्रल, उसके बाद क्या आएगा, उदासीन आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझना, देखो एग्जाम्पल देखना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, P3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, आर्गन, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है। तो आप अगर अब यहां देखोगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग आपके तत्व हैं, यहां अब आप इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो, किसी में भी चेक कर लो, 15 और 3 कितने हुए, 18, 16 और 2 कितने हुए, 18, 17 और 1 कितना हुआ, 18, आर्गन का तो होता ही 18, पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का होगा 19 में से एक गया, 18,
कैल्शियम का कितना होगा 20 में से दो गए कितने 18, तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने 18। तो जब तत्व आपके अलग अलग हो तब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो। तत्व आपका एक ही हो तो आपका जो उदासीन है उसी में केवल आपको देखना है। जब एक ही तत्व हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एक ही तत्व हो तो सबसे पहले किसको रखोगे, सबसे कम आकार होगा पॉजिटिव का, उसके बाद किसका होगा भाई उदासीन का, और उसके बाद किसका होगा नेगेटिव का। यह कहानी कब है, जब एक ही तत्व हो, जब सिमिलर तत्व हो, ठीक है ना, तब आप इस वाली कहानी को याद रखोगे। वही बात है कि सबसे छोटा पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल, और सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, नेगेटिव का, और जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। मुझे बताओ नेगेटिव सबसे ज्यादा किस पर है, फॉस्फोरस पर, 3- है ना, तो नेगेटिव चार्ज इस पर सबसे ज्यादा है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, और जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पर है, कैल्शियम 2+ पर है, तो इसका आकार कैसा होगा, सबसे छोटा। यानी यहां मैं आकार का क्रम दूंगा तो आकार का क्रम आपका कुछ इस तरीके से होगा। कर लोगे, बोलो भाई कर लोगे ना। और एग्जांपल देता हूं, चलो दो एग्जांपल और देता हूं, इसमें भी आप आयनिक त्रिज्या का क्रम बताओगे। ठीक है, देखना दो एग्जांपल और देखो, दूसरा एग्जांपल नंबर जो भी है तीसरा चौथा आप डाल लेना। ठीक है, H- हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, बोरॉन 3+। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है भाई, इसमें आपको आयनिक त्रिज्या का क्रम बताना है, और सभी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अलग अलग तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन चेक कर लोगे। हाइड्रोजन का एक होता है, एक में एक जोड़ा, माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये चीज नहीं पता तो लिख लो, माइनस का मतलब माइनस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, माइनस चार्ज जितना आ जाए तो इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज आपका जितना आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने, डिक्रीज करने, ठीक है ना, घटाने हैं। ठीक है, घटाने हैं, समझ जाना। ठीक है, तो यहां माइनस आ रहा है मतलब जोड़ना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, तो एक में एक जोड़ा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 2, हीलियम में तो 2 होते ही है, लिथियम का कितना होता है, 3, 3 में से एक गया, कितने बचे, 2, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, तो आपको पता है पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, 4 में से 2 गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, यानी सबकी बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन की बात कर लो, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, तो 5 में से कितने गए, 3, 5 में से 3 गए, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2। समझ गए मेरी बात को, तो कहने का मतलब सब में इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो सर ने बताया है जितना पॉजिटिव उतना चार्ज छोटा, उतना आकार छोटा, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पे है, आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो बोरोन प्लस 3 पर है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका आकार सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पर है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है हमारा हाइड्रोजन पर। ठीक है ना, एक ही माइनस है, सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन पर है, तो हाइड्रोजन का आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन का H- का आकार सबसे बड़ा, हाइड्राइड आयन का आकार सबसे बड़ा, और जो बोरोन 3+ जो आयन है आपका उसका आकार सबसे छोटा। बोलो कर लोगे भाई, एक एग्जाम्पल और देता हूं, चलो एक एग्जाम्पल और लिखता हूं आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 4, और यहां पर मैं आपको दे देता हूं सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल, नाइट्रोजन 3- F- O2- लिख लेते हैं, इससे पहले ऑक्सीजन 2- बनाता है, F-, फिर आपका नियोन, फिर आ गया आपका Na+, फिर आ गया Mg2+, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, फिर आप और लिखना चाहो तो सिलिकॉन प्लस 4 भी लिख सकते हो, और भी लिखना चाहो तो लिख लो सिलिकॉन प्लस 4। ये आपको मैंने तत्व दे दिए हैं और आयन दे दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि भाई आकार सबसे छोटा किसका, आकार सबसे बड़ा किसका। क्या बताया, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। सिर्फ एक बात माइंड में याद रखोगे, क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, घुमा फिरा के कुछ भी बोल दे, एक स्टेटमेंट माइंड में फिक्स कर लो, जितना पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उतनी आपकी साइज कम होगी, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी साइज ज्यादा होगी, बीच में आपके न्यूट्रल एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, तो सबसे ज्यादा अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको साफ साफ दिख रहा है किसमें है भाई, सिलिकॉन 4+ में, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसका आकार कैसा होगा, सबसे कम। और सबसे नेगेटिव किसके ज्यादा है, सबसे नेगेटिव ज्यादा है N3- में, 3- है ना, नेगेटिव सबसे ज्यादा है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, यानी N3- का आकार सबसे बड़ा, और उससे चलते 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 जाओगे
तो सिलिकॉन प्लस फोर का आकार सबसे छोटा। बोलो कर लोगे, कर लोगे ना भाई, अब तो आसानी से काफी एग्जाम्पल मैंने आपको करवा लिए, और जो भी गाइड आप फॉलो कर रहे हो उसके आप एग्जाम्पल लगा के देख लेना, कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो लिख लो पहले इन सारी बातों को, लिख लो भाई, लिख लिया, कर लोगे तो एक स्टेटमेंट है वो जो आपको लिखा दिया है उसको याद रखोगे, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रतियोगी की परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, आप नीट का, जेई का, आईसीआर, जेट, किसी का भी पेपर आप उठा के देख लो, आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और इजी क्वेश्चन होता है भाई, आसानी से आप बना सकते हो, कोई हार्ड वाला काम नहीं है, सिर्फ जो स्टेटमेंट आपको बताया आप उसको याद रखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो, फटाफट मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है, चलो बाय बाय।